अभी हमने यहाँ की एंट्री कर ली। This is rice beer, varieties. चैनल मेरा नाम अर्पिता है और मैं एक फूड ब्लॉगर स्लैश एक्सप्लोरर हूँ और आज हम आए हुए हैं मजनू का टीला में और यहाँ पे हम खा रहे हैं हॉटपॉट हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे बहुत टाइम से मन था हॉटपॉट खाने का, मैंने बहुत सारे कोरियन सीरीज़ में देखा है और फाइनली मैं आज खाने जा रही हूँ और यहाँ बन रहा है और चलिए देखते हैं कि कैसा लगता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर राइस बियर भी है। तो चलिए मैं आपको बाकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एड्रेस वगैरह, आप देखते रहिए और लेट्स एंजॉय हॉटपॉट। So this is chicken hot pot, lettuce, beans, tofu, noodles and mushrooms. Adrak, garlic. Is this sugar? ये पूरा मसाला प्रिपेयर हो रहा है। सिसने ऑयल। हाँ हाँ देखिए मशरूम्स डाले, कैबेज डाला, बीन्स डाला, अब टोफू। ये इसमें इससे क्या होता है? ये निकाल के इसमें खाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे खत्म हो जाएगा तो आप वापस बनाओगे? ये है ना, अगर खत्म होगा ना आप डाल के बताए, ये पूरा हल्का हल्का स्वाद के अनुसार से अब डालना। ठीक है थैंक यू भैया। तो अब सब डाल दिया ना मशरूम वगैरह, अब ये पक रहा है हॉटपॉट। तो कितनी देर में हम खाएंगे, कितनी देर में पता चल जाएगा पक गया? 10 मिनट बाद। चिकन वगैरह है, बीन्स है, ये सब चीज़ें हैं और अभी हम थोड़ा सा चिकन वगैरह अपने बाउल में डाल रहे हैं गिराते गिराते। ओह बहुत मैसी हो गया। ये बीन्स आप टेम्परेचर्स को स्लो कर सकते हो, बीन्स है और अब हम बीन्स भी डालेंगे। आहा
यूपी। और ये थोड़ा इसकी ग्रेवी हॉटपॉट की। तो अब हम ट्राई करने जा रहे हैं नूडल्स और बाकी सब चीज़ों के साथ। इट्स गुड। मैं ठीक से शब्दों में बता नहीं पाऊँगी। अच्छा, और स्पेसिफिकली जो मसाले डाले थे पहले, इस मेरे ख्याल से उसकी वजह से ना एक अलग ही नाज में डाल रखी है। गार्लिक फ्लेवर है, हर का खट्टा फ्लेवर है, शुगर का फ्लेवर है। आई लव बीन्स, दिस इज गुड। अभी जो राइज हो रहा है, हॉटपॉट का मोस्टली लोग बाहर हॉटपॉट जो होता है विंटर्स के टाइम में लेते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर, नॉर्मल भी लेते हैं बट विंटर्स के टाइम में इट्स वेरी पॉपुलर। दिस इज टोफू। क्या कह रहे थे टोफू कैसे? कहते हैं टोफू हॉटपॉट के टाइम में बहुत अच्छा लगता है एंड ये अच्छा लग रहा है। और अब हम ऑब्वियसली मैं बहुत गिरा रही हूँ बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हॉटपॉट का इंटरेस्ट है और प्रॉपर ऑथेंटिक वाला खाने का मन है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पे आके खाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। जिसको कोरियन ड्रामा या जिसको हॉटपॉट तिब्बतन फूड बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इट्स नॉट वेरी मच कॉस्टली, और अगर दो तीन लोग मिलकर आके खाएंगे और बहुत सारी इस अच्छी चीज़ क्या है कि एक जैसे हमने 600 का एक चिकन हॉटपॉट लिया है और उसके साथ बाकी जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अलग कॉस्टिंग है। तो आप चाहे जितने कम लो जितना ज़्यादा लो और आप पे डिपेंड करता है, तो आपकी कॉस्टिंग आपके हाथों में, जितने लोग आएंगे आप उतने से मज़े करके खाएँ। इट्स गुड, इट्स गुड। तो जो बचा हुआ है उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नूडल्स, क्योंकि अब हमारा ख़त्म हो जाएगा और सारी ग्रेवी इसकी उड़ जाएगी। तो हम सारी चीज़ें डालेंगे और वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दिस इज फ्रेश लेटस, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, मन करा तो बाहर खा लेंगे। और अब हम सब कुछ मिक्स करेंगे। एवरीथिंग इज मिक्सिंग। फिर इसको 10 मिनट का टाइम लगेगा पकने में, ताकि हम तब तक बाकी चीज़ें कर पाएंगे। तो आप अभी फिर से मिक्स करेंगे। चिकन की ग्रेवी है, चिकन का ब्रोथ है, चिकन है, मशरूम्स है, टोफू है, बीन्स है। हमने बस इतनी चीज़ ऑर्डर करी थी, यही एनएफ हो गई है। दिस इज़ राइस बियर, दिस इज़ मैंगो राइस बियर, और ये है प्लेन राइस बियर। ओके, और ये है अभी राइस बियर, ट्राई करके देखते हैं कैसी है। पहली बार ट्राई कर रही हूँ। खट्टी खट्टी है, अच्छी है। और ये है मैंगो राइस बियर, मैंगो फ्लेवर है, खट्टा खट्टा बियर एंड हाँ, दिस इज़ गुड, गुड। तो फाइनली इतना मज़ेदार हॉटपॉट ख़त्म हुआ। और आपको भी अगर हॉटपॉट खाने का इंटरेस्ट है या आपको लगा कि अरे ये तो बहुत नई चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।